परिणाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल वीडियो रिएक्शन पर। तो दोस्तों, आज फिर हाजिर है हम आपके सामने एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिस पर हम अपने रिएक्शन देने वाले हैं। दोस्तों, कल हमने रिएक्शन दिए थे टाइगर थ्री की एक क्लिप आई थी मूवी की, उस पर हमने अपने रिएक्शन दिए थे। उसमें आपने कमेंट्स करके कहा था कि पठान की भी डेट अनाउंसमेंट एक वीडियो आई है, उस पर रिएक्शन दो। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं किंग खान की जो मूवी आएगी पठान। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी स्टार कास्ट बता दूं। उसमें बॉलीवुड किंग जो है शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, बहुत ही मस्कुलर बॉडी है, बल्कि बॉडी है, और दीपिका पादुकोण, और इसके डायरेक्टर जो है वो है सिद्धार्थ आनंद, और ये यश राज बैनर के यहाँ बन रही है। इसमें प्रोड्यूसर जो है इसके वो है आदित्य चोपड़ा। और दोस्तों, अगर आपको टाइगर थ्री की जो अनाउंसमेंट वाली वीडियो आई है उसका रिएक्शन देखना है, उस पर भी हमने कल वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलिए देखते हैं पठान मूवी के अनाउंसमेंट पर किस तरह का रिएक्शन आता है, और जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण की किस तरह की इसमें एंट्री दिखाई गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर उसके पास इनमें से कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस यही एक देश, इंडिया। तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया, और देश की रक्षा को ही अपना कर्म। और जिनका नाम नहीं होता उनका नामकरण उनके साथ ही कर देते हैं। तो ये नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जल्दी मिलते हैं पठान से। इसका मूवी का कुछ ऐसा है ना, हल्की सी झलक दिखाई सिर्फ शाहरुख खान की। शाहरुख खान पलड़े पाए वो फिलहाल 2000 के बाद कोई मूवी नहीं है। भाभी 2023-25 जनवरी को इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। काफी टाइम पहले मूवी साइन कर दी थी, और इसकी जो चल रही थी शूटिंग तो पूरी हो गई, लेकिन कोविड की वजह से जो मसला था सब इस वजह से कुछ दिनों बाद इसका टीजर आ जाएगा दोस्तों, उस पर भी हम रिएक्शन देंगे। और फिलहाल जो टीज में जो डेट अनाउंसमेंट ये वीडियो आई थी, इसमें देखने को जो मिला कैरेक्टर तीनों के, वो आई थिंक एक शायद एजेंट टाइप, जैसे टाइगर में सलमान खान का रोल है, कुछ इस तरह का है। ये तो अनाउंसमेंट तीस साइड इन लगा सकते हैं कि किस तरह का रोल है, वो तो ट्रेलर या टीजर में पता चला। सही तो ट्रेलर में पता चला रोल किस तरह का है, ये तो एक अनाउंसमेंट करी इन्होंने। लेकिन जो सेट और मूवी का जो डायरेक्शन तो काफी अच्छा है यश राज बैनर, लेकिन जो मूवी का जो सेट दिखाया ना, वो जो सब कुछ दिखाया मूवी के अंदर, ऐसा लग रहा है काफी बड़े बजट की मूवी है। बड़े बजट की मूवी चाहिए, हॉलीवुड टाइप लग रहा था, पीछे टैंकर वगैरह रखे थे। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।